नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गुजरात का पवित्र प्रतीक, गुजरात के सुरम्य तटीय शहर प्रभासपाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर का दर्शन करके परिसर की सैर करेंगे। सोमनाथ मंदिर का भव्य लचीलापन, गुजरात का पवित्र प्रतीक। गुजरात के सुरम्य तटीय शहर प्रभासपाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर भारत की स्थायी आध्यात्मिक और स्थापत्य विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। अक्सर अनंत तीर्थ के रूप में जाना जाने वाला यह मंदिर लाखों भक्तों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है और सदियों के उथल पुथल भरे इतिहास के माध्यम से लचीलेपन का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास प्राचीन काल का है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, इसलिए इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है। किंवदंती है कि इस पवित्र मंदिर का निर्माण सबसे पहले भगवान सोमचंद्र देवता ने स्वयं सोने से किया था, उसके बाद विभिन्न राजाओं और शासकों ने सदियों से इसकी भव्यता में योगदान दिया। विनाश और पुनर्निर्माण। सोमनाथ मंदिर का इतिहास भी आक्रमणों और विनाश की एक श्रृंखला से खराब है। इसे विदेशी विजेताओं के हमलों का खामियाजा भुगतना पड़ा, विशेष रूप से 1026 ईस्वी में गजनी के महमूद ने, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने इसके खजाने को लूट लिया था और मंदिर को खंडहर में छोड़ दिया था। हालांकि इसका पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार गुजरात के राजा भीमदेव प्रथम सहित विभिन्न भारतीय शासकों द्वारा किया गया था। आधुनिक मंदिर सरदार वल्लभभाई पटेल के प्रयासों से 1950 में निर्मित वर्तमान सोमनाथ मंदिर चालुक्य, सोलंकी और प्रतिहार वास्तुकला शैलियों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्रदर्शित करता है। इसकी आकर्षक वास्तुकला भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के पुनरुद्धार का प्रमाण है। मंदिर का शिखर 155 फीट की ऊंचाई तक शानदार ढंग से उठा हुआ है और जटिल नक्काशी से सजाया गया है। श्री समर्थ राणा टूर्स सासवड आणि सावकार दादा प्रतिष्ठान वाघापूर यांच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांचं सोमनाथ येथील भालका तीर्थ येथे हार्दिक स्वागत। भालका तीर्थ म्हणजे तीच जागा जिथे श्रीकृष्णाला बाण लागला होता, जो बाण मारला होता एका भिल्लाने। तर इथे वन होतं, वनामध्ये श्रीकृष्ण आराम करत होते, त्यावेळेस एक हरणाचा डोळा समजून भिल्लाने बाण मारला, तो श्रीकृष्णाच्या पायाला लागला आणि त्याच्यानंतर श्रीकृष्णाचा मृत्यू झाला। तर ज्यावेळेस श्रीकृष्णाला बाण लागला हे त्या भिल्लाला समजलं, ज्यावेळेस तो भिल्ल जवळ आला श्रीकृष्णाच्या, त्याला म्हणला प्रभू माझ्याकडून चूक झाली, मी एवढं मोठं पाप केलंय की तुम्हाला बाण लागला, म्हणजे बघा ना साक्षात देवाला त्याने बाण मारला। तर त्यावेळेस श्रीकृष्णाने त्याला सांगितलं तू पश्चाताप करून घेऊ नको, तुझ्यावरती काही पाप लागणार नाहीये, उलट तू माझं पाप उतरवतोय। ते पाप उतरवतोय का? कारण मागच्या जन्मी तो भिल्ल म्हणजे वाली होता आणि श्रीकृष्ण कोण होते? श्रीराम। श्रीरामानं वालीचा वध केला होता बाण मारून। मग या जन्मामध्ये भिल्लाकडून श्रीकृष्णांचा मृत्यू झाला बाण लागून। अशी थोडक्यात इथली स्टोरी आहे। दर्शन घ्या मंदिराचं। सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसलिए इसका अली धार्मिक महत्व है, जो भगवान शिव को समर्पित पवित्र मंदिर है और इसका अत्यधिक धार्मिक महत्व है। भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और इसके शांत वातावरण में सांत्वना पाने के लिए इस मंदिर में आते हैं। आगंतुक अनुभव। अपने आध्यात्मिक आकर्षण के अलावा सोमनाथ मंदिर अरब सागर के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है और सुबह और शाम के समय इसके सुंदर आरती समारोह विस्मयकारी होते हैं। मंदिर परिसर में एक संग्रहालय भी शामिल है जो इसके समृद्ध इतिहास का वर्णन करने वाली कलाकृतियों और मूर्तियों को प्रदर्शित करता है। सोमनाथ मंदिर गुजरात की सांस्कृतिक विरासत, लचीलेपन और अटूट आस्था के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसका अशांत अतीत और विजयी पुनरुत्थान भारत की अपनी प्राचीन परंपराओं के प्रति स्थायी भक्ति का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर की यात्रा न केवल एक आध्यात्मिक यात्रा है, बल्कि एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक यात्रा भी है जो आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ती है। संक्षेप में, गुजरात में सोमनाथ मंदिर अपने समृद्ध इतिहास, स्थापत्य वैभव और आध्यात्मिक महत्व के साथ तीर्थयात्रियों और इतिहास प्रेमियों को समान रूप से आकर्षित करता है और हमें विश्वास और संस्कृति की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। यात्रा के आखिरी दिन शाम को संपूर्ण दिन की सैर करने बाद सभी पर्यटकों ने लोकगीत गाकर और लोक नृत्य करके अपने सभी साथियों एवं खुद का मनोरंजन किया। यह वीडियो हमें श्री समर्थ नाना टूर्स सासवड के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। हमारा चैनल उनका आभारी है।
दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए अपलोडेड वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।